नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और फनी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी अन्य वीडियोस की तरह काफी ज्यादा मजाकिया होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको बहुचर्चित फोटो एडिटर जेम्स फ्रिडमैन द्वारा एडिट की गई कुछ ऐसी तस्वीरों से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद हंसी के मारे आप लोटपोट हो जाएंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जेम्स फ्रिडमैन के ब्रिटिश ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो अक्सर ट्विटर पर लोगों की फोटो एडिटिंग रिक्वेस्ट्स को एक मजाकिया मोड़ देने के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखा, इसे कहते हैं असली फोटोशॉप। महान गए जेम्स फ्रिडमैन को, जिन्होंने इस तस्वीर को कुछ इस तरह से फोटोशॉप किया है कि उसे देखने के बाद आप भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल बीच पर बैठे इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी ये तस्वीर डालकर जेम्स से गुजारिश की कि प्लीज हमारी इस पिक के बैकग्राउंड में से उस लड़की को हटा दीजिए। जिसके जवाब में जेम्स ने भी इनकी बात मान ली और बैकग्राउंड से उस लड़की को हटाकर उसे फ्रंट में खड़ा कर दिया, जो देखने में काफी मजाकिया था। जेम्स फ्रिडमैन फोटोशॉप करने में सबकी मदद करते हैं, तो फिर भला वो इस लड़की को मदद के लिए कैसे मना कर सकते थे? और जब मदद इतनी छोटी सी हो, तब तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस लड़की की जेम्स से बस इतनी सी रिक्वेस्ट थी कि इस पिक में इसके जो बाल इसके मंगेतर के चेहरे पर आ रहे थे, उनको फोटोशॉप करके हटाना था। जरा देखिए कैसे जेम्स ने फोटोशॉप स्किल्स के साथ अपनी जबरदस्त सार्कास्टिक स्किल्स का इस्तेमाल करके कितने जबरदस्त तरीके से बालों को लड़के के चेहरे से हटाया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। वाह भाई वाह, क्या गजब इंसान है। मतलब इसे अपनी पत्नी के जैसा समर आउटफिट चाहिए था, तो इसने तस्वीर को फोटोशॉप करने के लिए जेम्स से ही गुजारिश कर डाली। फिर क्या था, हमारे जेम्स तो हैं कलाकार, उन्होंने भी अपना खुराफाती दिमाग लगाया और इस तस्वीर को ऐसा फोटोशॉप किया कि जनाब अब इसे कहीं दिखा भी नहीं पाएंगे। मतलब यार, समर गेटअप तो दिया पर पत्नी के जैसा फीमेल वाला, ये कहां का न्याय हुआ यार। ये लौंडा भी अलग ही लेवल का टोपीवास है। मतलब जब इसे अपने पीले दांतों से इतनी समस्या थी, तो या तो ब्रश कर लेता या फिर बिना दांत निकाले ही स्माइल कर लेता। लेकिन नहीं, अच्छे काम होते कहां है इससे। इसे तो बस जेम्स फ्रिडमैन को परेशान करना था। भाई साहब ने सोशल मीडिया पर जेम्स से रिक्वेस्ट कर डाली कि प्लीज इस पिक में मेरी सफेद शर्ट को हटा दो, क्योंकि इससे मेरे दांत सफेद दिख रहे हैं। जिसके बाद जेम्स ने इसकी रिक्वेस्ट को काफी सीरियसली ले लिया और सच में इसकी शर्ट हटा दी। इसके बाद इसकी बालों वाली छाती दिखने लगी, जिसमें ये एकदम नमूना लग रहा था। इस मोहतरमा को क्या समस्या थी यार। अच्छी वाली तस्वीर तो आई थी, मगर क्या करें, लड़कियों को परफेक्ट तस्वीर निकलवाने का कीड़ा जो होता है। अब इन्हीं मोहतरमा को ही ले लो, जिन्हें अपनी बहन के साथ निकलवाई ये तस्वीर पसंद तो आई, पर इनकी शिकायत थी कि जिस तरह हंसते हुए इनके हाथ दिख रहे हैं, वैसे ही इनकी बहन के भी दिखने चाहिए, जिसके लिए इन्होंने जेम्स से मदद मांगी। फिर क्या था, जेम्स ने इस तस्वीर को ऐसा फोटोशॉप किया कि उसे देखकर रोता भी हंस पड़ेगा, क्योंकि इस तस्वीर में जेम्स ने लड़की की स्माइल के साथ दांत तो बाहर दिखाए, पर ये दांत मुंह के अंदर नहीं थे बल्कि उसके हाथ में थे। इसे फोटोशॉप क्यों कहते हो, ये तो फोटो के साथ साफ तौर पर हुई छेड़छाड़ है भाई। तस्वीर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पोज दे रहे इस लड़के को जब पता चला कि जेम्स फ्रिडमैन नाम का एक बंदा गजब की फोटो एडिटिंग करता है, तब इसने भी जेम्स से अपनी फोटो एडिट कराने का विचार बनाया और सोशल मीडिया पर अपनी ये पिक डालकर जेम्स को टैग करके कहा कि प्लीज मेरी इस पिक में पॉकेट के अंदर जो मोबाइल दिख रहा है उसे हटा दो। बस जेम्स से कहने की देरी थी और उसने इस लड़के की बात पर अमल करते हुए इसकी पॉकेट में दिख रहे मोबाइल को बड़े ही मजाकिया तरीके से हटा दिया। इसके बाद इस लड़के की जांग दिखने लगी। अब जब ये लड़का अपनी पिक देखेगा ना, तब यकीन मानिए ये जेम्स को थैंक यू नहीं बोलेगा बल्कि गालियां देगा, गालियां। अपनी पत्नी के साथ बीच पर पिक क्लिक कराने वाले इस आदमी ने जब देखा कि इसकी पिक के बैकग्राउंड में सफेद रंग की हैट पहने एक दूसरा आदमी खड़ा है, तब उसने बिना किसी देरी के सीधा जेम्स से बोला कि क्या मेरी इस तस्वीर से सफेद टोपी वाले आदमी को हटा सकते हो भैया। देखो यार, जेम्स भाई किसी को भी निराश नहीं करते, तो इन महाशय को कैसे कर सकते थे। जेम्स ने तुरंत इनकी समस्या देखी और उसका निराकरण भी कर डाला। जरा देखिए कितनी जबरदस्त एडिटिंग है कि सफेद टोपी वाला इंसान दिख नहीं रहा, फिर चाहे आदमी ही गलत क्यों ना हो। लो जी, मिल लो एक और मोहतरमा से, जिन्हें अपनी इस तस्वीर से बस इतनी सी समस्या है कि इसमें इनकी हाइट अपने बॉयफ्रेंड से कम लग रही है। यही वजह थी कि जब इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या कोई मुझे उसके जितना टॉल कर सकता है, तब जेम्स ने जरा भी देरी नहीं की और इसकी गुजारिश को मानते हुए मोहतरमा को लंबा तो नहीं किया, पर इनके बॉयफ्रेंड को जमीन में धांस दिया, जिससे उसकी हाइट इनके बराबर लगने लगी। काले कपड़ा पहने हुए इस लड़की को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने निकलवाई गई अपनी इस तस्वीर से बस इतनी सी दिक्कत थी कि इसके बैकग्राउंड में खड़े लोग इसे जरा भी पसंद नहीं आ रहे थे। इसके चलते इसने जेम्स की एडिटिंग की मदद लेनी चाहिए और जेम्स से कहा कि क्या तुम इस पिक में पीछे खड़े लोगों को हटा सकते हो। अब जेम्स तो किसी को मना नहीं करते और फिर लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए कैसे जेम्स ने इस पिक के बैकग्राउंड से इंसानों को तो हटाया ही, साथ ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी गायब कर डाला, जिसके बाद ये पिक देखने में काफी बेकार सी लग रही थी।
इस तस्वीर में वैसे तो सब कुछ सही है, पर जो पीछे बैठा इस लड़की का भाई है ना, वो जमाई लेते हुए एक नंबर का आलसी लग रहा है, जिसके चलते इस लड़की ने पर्सनल मैसेज के माध्यम से जेम्स से मदद मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे मेरा भाई आलसी ना लगे। जेम्स भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने भी अपना शरारती दिमाग लगाया और इस लड़की के भाई के हाथ में माइक पकड़ा दिया, जिससे जमाई लेते वक्त भी ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक गाना गा रहा हूँ। वाह, क्या गजब की क्रिएटिवनेस है, इसके लिए लाइक तो बनता है। एक बात तो माननी पड़ेगी, सरकास्टिक फोटो एडिटिंग में जेम्स का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और ये बात तो आपको इस पिक को देखने के बाद समझ आ जाएगी। दरअसल पेड़ के आगे खड़ी ये लड़की चाहती थी कि जेम्स इसे एडिटिंग की मदद से पेड़ के बीच में कहीं खड़ा कर दे, जिससे लगे कि ये पेड़ की शाखाओं में खड़ी है। लेकिन जरा देखो, जेम्स ने तो इसके साथ मजाक कर डाला और इसे पेड़ के तने में ही घुसेड़ दिया और इसके हाथ की डालियां बना दी, जो देखने में काफी फनी लग रही थी। ये दोनों दोस्त जू तो गए और इन्होंने जिराफ के साथ तस्वीर भी निकलवाई। हालांकि दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि इनकी जो तस्वीर थी उसमें जिराफ काफी दूर पर खड़ा था, जिसके चलते इन्होंने जेम्स को एपिक का टैग करते हुए उनसे कहा कि प्लीज इसमें दिख रहे जिराफ को थोड़ा आगे खड़ा कर दीजिए, जिससे कि लोग उसे सही से देख पाएं। लेकिन यहां तो खेला हो गया, क्योंकि जेम्स ने अपनी एडिटिंग से इनके अरमानों पर पानी फेर दिया और जिराफ को इतना ज्यादा करीब खड़ा कर दिया कि अब इस तस्वीर में लोगों को सिर्फ जिराफ की टांगे और पेट ही दिख रहा है। यार, जब से जेम्स ने एडिटिंग स्टार्ट की है, तब से ही ना जाने क्यों लोग जेम्स से अलग अलग रिक्वेस्ट करते हैं। इस सुंदर लड़की को ही ले लो, जो कि अपनी इस पिक में अपने गोल हेड को नापसंद करते हुए जेम्स से कहती है कि क्या वो उसके हेड को लेस राउंड बना सकता है। आप ही बताओ, जेम्स के लिए कुछ असंभव है? लगता तो नहीं। जरा देखो तो कैसे जेम्स ने सुंदर लड़की पर भी रहम नहीं खाया और उसके चेहरे को ही रेक्टेंगुलर बना दिया, जो इतना अजीब लग रहा था कि अब पक्का ये लड़की किसी को अपना मुंह ना दिखा पाएगी। जेम्स फ्रिडमैन जिस तरह से लोगों के मजे लेते हैं, वो सच में देखने लायक होता है। अब इन भाई साहब को समस्या थी कि इस पिक के अंदर इनके बैकग्राउंड में जो सिटी दिख रही है, जेम्स उसे अपनी फोटो एडिटिंग स्किल से थोड़ा ज्यादा फोकस में ले जाए, जिससे लोग सिटी को भी देख पाए। मगर ऐसा हो ना सका, क्योंकि सिटी को फोकस में लाने के लिए जेम्स ने इन भाई साहब को ही ब्लर कर दिया। तगड़ा मजाक हो गया इन भाई साहब के साथ, अब ये पक्का कभी अपनी पिक एडिट नहीं कर पाएंगे। क्यों, सही कहा ना, विज्ञान जवान लोगों को बूढ़ा नहीं बना सकता, पर लगता है जेम्स फ्रिडमैन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तभी तो देखिए, जब इस लड़के ने जेम्स से कहा कि क्या तुम इस पिक में मुझे बच्चे की तरह दिखने से बचा सकते हो, तब जेम्स ने इसके मन की करी और इसे एक बूढ़े अंकल का लुक दे डाला, जो देखने में इतना मजाकिया था कि अब जो भी इसकी पिक देखेगा वो इस पर बेहद हंसेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और फनी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।